क्लास थ्री हिंदी लेसन वन कविता चले गांव की ओर। इस कविता में गांव की सुबह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। बताया गया है कि गांव में सुबह होने पर क्या क्या होता है। चले गांव की ओर जहां पर हंसता आता भोर, डाल डाल पर फुदक फुदक कर चिड़िया चीची गाती, रंग बिरंगी उड़े तितलियां फूल फूल मंडराती, ठौर ठौर पर पंख फैलाए नाच रहे हैं मोर। कवि ने इस कविता में कहा है कि गाँव में चले जहाँ पर सुबह हंसता हुआ आता है, चिड़िया डाल डाल पर फुदक फुदक कर चींची गाती हैं, फूल फूल पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराती रहती हैं, जगह जगह पर मोर पंख फैलाए नाचता रहता है। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर, ले हल बैल चले खेतों को, खेतों के रखवाले घर मर घर मर दूध निकाले, घर घर देखो ग्वाले, गाय चाटती अपना बछड़ा बंधी प्रेम की डोर, चले गांव की ओर चले। फिर कभी कहता है कि गांव में चले जहाँ पर सुबह सुबह किसान हल बैल को लेकर खेतों की ओर जाता है, ग्वाला गाय का दूध निकालता है एवं गाय अपने बछड़े को प्रेम से चाटती है। जहाँ पर हंसता आता भोर, बारी बारी खिले फूल फल, खेत खेत हरियाली, मेहनत की बूंदों ने घर घर फैला दी खुशहाली, कहीं गूंजते अलगोजे तो कहीं सजी गनकौर, गौर चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर। कवि ने फिर कहा है कि सुबह में छोटे छोटे खेतों में फूल फल खिलते हैं, खेतों में हर खेतों में हरियाली छाई हुई है, मेहनती किसान ने गांव में खुशहाली फैला दी है, कहीं बच्चों द्वारा मुंह से बजाए जाने वाले बाजे की गूंज है तो कहीं त्योहार की सजावट है। शब्दार्थ भोर सुबह प्रातः रंग बिरंगी तरह तरह के रंग की मंडराटी फूल के ऊपर आसपास उड़ती, ठौर ठौर जगह जगह खेतों के रखवाले किसान, बाड़ी छोटा खेत अलगोजे बच्चों द्वारा मुंह से बजाए जाने वाले बाजे गनगौर राजस्थान का एक त्यौहार। इतना एगो हिंदी।